वो आज की रेसिपी का नाम क्या है? सॉनेट कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। बुक में देखो। अब देखो, जब किसी चीज की तारीफ की जाती है ना शायरी में, तो उसे एग्जैजरेट किया जाता है, यानी मुबालगा आराई से काम लिया जाता है, यानी बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है ताकि उसका असर हो रीडर पर। कह रहा है अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। फेयर का मतलब है यहाँ ब्यूटीफुल। इस रूए जमीन पर इससे ज्यादा हसीन कोई मंजर है ही नहीं दिखाने को। ठीक है, डल वुड ही बी ऑफ सोल। ये जो लाइन लिखी है ना, इसको समझो। यूं ये यूं लिखा है, डल वुड ही बी ऑफ सोल। बेटे इसको समझने के लिए थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। ही वुड बी डल ऑफ सोल, ही वुड बी डल ऑफ सोल। तो डल ऑफ सोल का मतलब है सेंसलेस, बल्कि सेंसलेस भी ना कहो, यूं कहो कि हैविंग नो फीलिंग और इमोशन, जिसमें कोई जज्बा, कोई एहसास, कोई हिस मौजूद ही ना। डल, डल ऑफ सोल का मतलब डेड सोल। तो ही वुड बी डल ऑफ सोल, वो इंसान मुर्दा रूह का मालिक होगा, उसका एहसास मर चुका होगा, उसमें बिल्कुल भी हिस नहीं होगी, बेहिस होगा। कौन? हु कुड पास बाय। बेटे पास बाय का मतलब क्या है? पास बाय यानी ट्रिप अलोंग, जिसे हम कहते हैं गुजरना, इसी से बना है पासर्स बाय, गुजरने वाले। ठीक है ना, राहगीर। हु कुड पास बाय, जो गुजर सके। उस शख्स की रूह मुर्दा होगी, हिस मुर्दा होगी, जो गुजर सके। अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी। साइट, साइट का मतलब क्या है? सीन, एक ऐसे नजारे से। सो टचिंग, टचिंग मीन्स दैट टचेस द हार्ट, जो दिल को छुए। आसान अल्फाज में हम कहेंगे अट्रैक्टिव, जाजिबे नजर, दिल को छू लेने वाले। अ साइट सो टचिंग, एक ऐसे पुरकशिश मंजर को देखकर भी यूं ही गुजर जाए। इन इट्स मैजेस्टी, जो मंजर अपनी शानो शौकत में। मैजेस्टी मीन्स शानो शौकत, कहते ना योर मैजेस्टी, योर हाइनेस। तो मैजेस्टी का मतलब यहां पर क्या है? स्प्लेंडर, शानो शौकत, आबोताब। एक ऐसा मंजर जो अपनी शानो शौकत में इतना पुरकशिश है, उसको देखकर भी कोई यूं ही गुजर जाए, तो यकीनन उसकी रूह मुर्दा है, उसका एहसास मुर्दा है। क्योंकि जो जरा सा भी एहसास रखता होगा, वो इस मंजर को देखकर रुक जाए, रुकेगा जरूर, गुजरेगा लेकिन रुकेगा जरूर, कुछ देर को रुकेगा। ये मंजर इतना हसीन पुरकशिश, क्या मंजर है? द सिटी, द सिटी नाउ डॉट। बेटे ये जो वर्ड यूज हुआ है डॉट, ये आर्काइक इंग्लिश है।
आर्काइक का मतलब क्या होता है? लिटरेचर की जुबान में कहते हैं आर्काइक इंग्लिश, आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं? आर्कियोलॉजी कहते हैं उस इल्म को जिसमें हम आसारे कदीमा के बारे में पढ़ते हैं, यानी कदीम जमानों की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। आर्काइक का मतलब होता है ओल्ड, एंशियंट। तो ओल्ड इंग्लिश जो है उसे आर्काइक इंग्लिश कहते हैं। आज की जो कंटेम्प्रोरी इंग्लिश है, यानी इस जमाने की इंग्लिश, उसमें इसे कहते हैं डज, डू, डज, है ना। डू और डज में क्या फर्क है? सब माशाल्लाह मैट्रिक पास बैठे हैं। सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, डू और डज का फर्क क्या है? मैं तो ये पूछूं, ये है सवाल। आप लोगों को सवाल उठाने की आदत नहीं है, वरना फौरन पूछे डू और डज में क्या फर्क है, बताना पड़े। आप पूछते नहीं, टीचर बताता नहीं है। कसूर आपका है ना, जिसमें जानने की जस्तुजो होगी ना, जानने की तड़प होगी, वो पूछेगा, सवाल उठाएगा। जो सवाल उठाएगा उसको मिलेगा इल्म। इल्म का मतलब है जानना। बेटे डू प्लूरल है और डू का सिंगुलर है डज। जैसे देखना इधर, प्ले, प्लेज, ठीक है, वॉश, वॉशेस। तो आज की इंग्लिश में वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस आई एस लगाते हैं। अच्छा, नाउन के तो नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस और एस लगाते हैं, वर्ब में उल्टा है। वर्ब ऑलरेडी प्लूरल होता है, हम अगर उसमें एस और एस लगा दें तो क्या बन जाएगा? वो सिंगुलर बन जाएगा। तो डू प्लूरल है, उसको सिंगुलर बनाना हो तो डज। वॉश प्लूरल है, सिंगुलर बनाना तो यस लगेगा, वॉशेस। प्लेस प्लूरल है, सिंगुलर बनाना तो एस लगेगा, प्लेस। वर्ब प्लूरल से सिंगुलर बनता है एस और यस लगाकर, नाउन एस और यस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनता है, उल्टा हिसाब, ठीक है, याद रखिए। डज है, द सिटी नाउ डॉट वियर लाइक अ गारमेंट, शहर ने इस वक्त पहना हुआ है, ओढ़ा हुआ है, लाइक अ गारमेंट लिबास की तरह, किसी ओढ़नी की तरह ओढ़ा हुआ है। किस चीज को? द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के हुस्न को। लफ्ज सुबह है, सुबह नहीं है, और लफ्ज हुस्न है, हुस्न नहीं है। उर्दू भी अदायगी सही सीखो। सुबह के हुस्न को शहर ने अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है, किसी ओढ़नी की तरह पहना हुआ है, किसी लिबास की तरह। यानी सुबह का जो हुस्न है वो पूरे शहर को अपनी लपेट में लिए हुए है, पूरे शहर पर छाया हुआ है, ठीक है। साइलेंट बेयर, हर शय खामोश। इस गैमा गैम गैमा गैमी वाले शहर में इस वक्त हर शय खामोश है, सूरज निकलना, हर शय खामोश है। बेयर, बेटे ये जो वर्ड है बेयर, बेयर का मतलब क्या होता है? एक्चुअल मीनिंग है इसके नेकेड, बरहना, नंगा। लेकिन यहां पर किस क्या बात हो रही है? ओपन, और यू कैन से अनकवर्ड। हर शय अनकवर्ड है, क्या मतलब भाई? सुनना जरा गौर से भाई, शबनम किसे कहते हैं? अदाकारा का नाम है, ओस,
होती क्या है, शबनम क्यों कहते हैं? शबनम तो लड़की का नाम है, कभी गौर किया? दो लफ्ज हैं, शब नम। शब कहते हैं रात, शब किसे कहते हैं? रात, शब कहते हैं रात को। और नम का मतलब क्या है? गीली रात। क्या मतलब? शबनम, रात की नमी। ये क्या है? देखो, हवा में पानी भी हो, नमी हो, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होती है ना। अगर हवा में नमी ना हो ना, तो हम जिंदा नहीं रह सकते। हमारी स्किन जो है ना, वो चटक जाएगी, फट जाएगी। सर्दियों में जरा सी ड्राई एयर होती तो कितना हशर हो जाता हमारा। उस वक्त हवा में नमी नहीं होती। ये नमी किस शक्ल में होती है? आबी बुखारात, वाटर वेपर्स की शक्ल में। वाटर वेपर्स, वेपर्स, वाटर वेपर्स, आबी बुखारात। वाटर वेपर्स जो होते हैं ना हवा में, एक खास रेशो से होते, जैसे आप पानी उबालते हैं तो भाप उड़ती है। भाप क्या है? आबी बुखारात, वाटर वेपर्स हैं। ये हवा में शामिल होकर गायब हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। लेकिन जब मौसम रात के वक्त ठंडा होता है, तो ये वाटर वेपर्स कंडेंस होते हैं, करीब करीब आते हैं। करीब करीब आने से क्या होता है? एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो छोटे छोटे वाटर वेपर्स मिलकर वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, जो बड़े होते हैं साइज में, हैवी होते हैं, ग्रेविटी की वजह से डाउनफॉल होता है। तो आप कार खड़ी कर दें रात के वक्त, सुबह जब उठकर देखेंगे तो कार जो है सरफेस उसकी गीली हुई हुई है। क्यों? वो वाटर ड्रॉपलेट सेटल डाउन हुए, ठीक है ना। जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स सेटल डाउन होते हैं, तो हवा में मौजूद, एयर में मौजूद जो पोल्यूशन है, कार्बन पार्टिकल्स बसों के धुएं वगैरह की वजह से, या डस्ट पार्टिकल्स, उनको लेकर सेटल डाउन हो जाते हैं। तो फिर दूर तक का मंजर ना अनपल्यूटेड होता है, अनकवर्ड बाय द पोल्यूशन। यानी दूर तक हवा में कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई आलूदगी नहीं होती, हवा बिल्कुल क्लियर होती है, तो दूर तक का मंजर ओपन नजर आता है। आप इस वक्त किसी बिल्डिंग की छत पे खड़े होकर दूर तक देखें, तो ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाएंगे पोल्यूशन की वजह से। लेकिन बारिश के फौरन बाद उसी छत पे खड़े होकर दूर तक देखें, दूर तक का मंजर क्लियर नजर आता है, क्योंकि सारी पोल्यूशन तो सेटल डाउन हो गई। यही शबनम के बाद होता है। तो रात की शबनम जो गिरी है, उसकी वजह से एवरीथिंग इज अनकवर्ड, ओपन, अनपोल्यूटेड, ठीक है, द व्यू इज क्लियर। अच्छा जी, बेयर साइलेंट, बेयर क्या क्या चीजें हैं? शिप्स, उसे शिप्स नजर आ रहे हैं। बेटे ये ब्रिज जिस दरिया पर है ना, उसका नाम है टेम्स। और टेम्स पर, टेम्स दरिया दुनिया के उन चंद दरियाओं में से है जिनमें छोटे वाले शिप्स चलते हैं, वरना दरिया में बोट चलती हैं आमतौर पर, लेकिन ये दरिया अगर गहरा हो तो उसमें शिप्स भी चलते हैं। ये गहरा है। शिप्स, टावर्स, अब वो गिनवा रहा है क्या क्या मनाजिर नजर आ रहे हैं। कहीं शिप्स नजर आ रहे हैं, कहीं ऊंचे ऊंचे मीनार नजर आ रहे हैं। डूम्स, ये क्या लिखा है? डूम, डूम किसे कहते हैं? गुंबद, ठीक है ना, डूम गुंबद को कहते। देखो भाई, गौर करो, यहां से देखो तो कॉन्वेक्स है, मुहद्दब है। यहां से देखो तो मिकर है, यानी कॉनकेव है, ठीक है ना। यहां से कॉन्वेक्स है, यहां से कॉन्केव। ऊपर से देखो तो इसको कहेंगे डूम, नीचे से देखो तो इसको कहेंगे आर्च, ऊपर से देखो तो इसको कहेंगे गुंबद, और नीचे से देखोगे तो इसको कहेंगे मेहराब।
ये अल्फाज सुने होंगे आपने किसी बिल्डिंग में, अब जैसे ये आर्च बनी हुई गोलाई में ना, वो छत जो गोलाई में बनी हो उसे आर्च कहते हैं। अगर आप नीचे खड़े तो उसी छत को अगर ऊपर से देख रहे तो गुम्बद कहलाएगा, डूम है, डोम नहीं है, डूम है। जैसे एक वर्ड आपने पढ़ा होगा नाइन्थ क्लास में या मैट्रिक में, क्या लिखा है किसे कहते हैं, कब्र को। इसका तलफ्फुज टॉम नहीं है, इसका तलफ्फुज है टूम, बी साइलेंट है, टूम। इसको पढ़ते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे लिखा हो टी डबल ओ एम टूम, लेकिन मिस ने टॉम पढ़ाया हो, है ना। जैसे एक वर्ड ये पढ़ा होगा मिस, ये सर ने स्कूल में तो मिस ही पढ़ाती है, क्या लिखा है, हल चलाने को कहते हैं ना, हल चलाने को कहते मैट्रिक की बुक में, नाइन्थ की बुक में क्या लिखा है। अब किसी ने प्लगिंग पढ़ा, किसी ने प्लफिंग पढ़ा, इसका तलफ्फुज ये है प्लॉइंग, बल्कि अब तो स्पेलिंग भी यही कर दी अंग्रेजों ने, उन्हें मालूम पाकिस्तानी इसको कुछ और पढ़ते हैं, उन्होंने प्लॉइंग कर दिया, ये प्लॉइंग है, प्लॉइंग का मतलब है हल चलाना। तो वर्ड्स का करेक्ट प्रोनंसिएशन, करेक्ट क्या, प्रोनंसिएशन, इट इज नॉट प्रोनाउंसिएशन। अक्सर लोग टोकते हैं, भाई आपका प्रोनाउंसिएशन गलत है। अच्छा, जबकि आपका तो प्रोनंसिएशन ही गलत है। यह है वर्ड, प्रोनंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन नहीं है। हाँ, इसका वर्ब होता है प्रोनाउंस, तो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनंसिएशन होता। तो करेक्ट प्रोनंसिएशन बहुत जरूरी है। इंग्लिश बहुत से लोगों को अच्छी आती है, मगर जब बोलते हैं तो मज़ा नहीं आता, क्यों, वो इंग्लिश की वाट लगाते हैं, वाट, वो वॉट को पढ़ते हैं वाट, बाबा वाट आर यू डूइंग, लग गई ना वाट, तो वाट नहीं लगानी है, वॉट। अच्छा जी, ये डूम है, डोम नहीं है। शिप्स, टावर्स, डूम्स, थिएटर्स, थिएटर्स, थिएटर नहीं है। हाँ, असल में हुआ क्या पता है, हमारे वक्तों में, पुराने वक्तों में एयू खान की एक वर्कबुक आती थी, इंतकाल हुआ एयू खान को, ज़माना गुजर गया, उसकी वर्कबुक अब तक आ रही है, 9-10 की ना वर्कबुक आती थी। उस वर्कबुक में ना ऐसे लिखा होता था, इंग्लिश में वर्ड लिखा ना WHAT, तो एक कॉलम में लिखा होता था इसका तलफ़ और एक में इसके मीनिंग लिखे होते थे, ऐसे एक्टिव तो ऐसे लिखा होता था, है ना, फिर इसके मीनिंग लिखे होते थे। इसी तरह से स्कूल, तो इसका तलफ़ लिखा होता था और फिर मीनिंग लिखे होते थे, ठीक है ना। ऐसे ही तो इसका तलफ़ लिखा होता था और फिर मीनिंग लिखे होते थे। गड़बड़ यहाँ से हुई, गड़बड़ यहाँ से शुरू हुई। हमने जाहिर हमसे पहले की जो जनरेशन है उन्होंने तो बिल्कुल इसी तरह से पढ़ा था, उन्होंने अंग्रेज़ को सुना ही नहीं था कभी, तो टेलीविज़न नहीं था उनके ज़माने में, इंटरनेट नहीं था, अंग्रेज़ भी नहीं था। उन्होंने क्या किया, ये वर्ड पढ़ा उर्दू में क्या लिखा, वाट, तो वाट पढ़ लिया। ये क्या लिखा है, एक्टिव, पुराने लोग पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव, उसकी वजह उन्होंने उर्दू में पढ़ाई है ये एक्टिव, उन्हें क्या पता ये एक्टिव लिखा है ना। ऐसे ही ये अस्कूल या स्कूल, या पंजाब में अली फड़ा आते हैं वो कहते हैं स्कूल, ये भी तो चक्कर है ना, अली फटा दो तो स्कूल हो जाता, हालांकि स्कूल है। ऐसी पारक, इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर, तो उर्दू के तलफ्फुज़ से जिन जिन लोगों ने इंग्लिश पढ़ी है उनका यही कबाड़ा हुआ। भाई अब तो मॉडर्न एज है, इंटरनेट है, इंटरनेट है, टेलीविज़न है ना, आप इंग्रेज़ को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो आप सही प्रोनंसिएशन कैच कर सकते हैं, सीख सकते हैं।
ठीक है ना, आपके लिए ये मुश्किल नहीं है, राइट? तो ऐसे कभी नहीं पढ़ना, वरना इंग्लिश की वाट लगेगी।